हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड में दो दिन भारी बारिश की चेतावनी, जाने 27 जुलाई तक मौसम का हाल। मौसम विभाग ने झारखंड में हाई अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी जिलों में अगले 48 घंटे तक गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची समेत कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं राज्य में आगामी 27 जुलाई तक मेघा गर्जन के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। आज 22 जुलाई को राज्य के सभी स्थानों पर मेघा गर्जन के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश होगी। इस दौरान जो उत्तर पूर्वी भाग यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहिबगंज तथा मध्य झारखंड में रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी व रामगढ़ और दक्षिण पूर्वी भाग में पूर्व व पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा व सरायकेला खरसावां जिला समेत अन्य जिलों में भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं जो 23 जुलाई को उत्तरी पश्चिमी झारखंड के पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार व लोहरदगा जिला एवं दक्षिण पश्चिमी भाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए स्कूलों में तैयारी शुरू। जैक बोर्ड के 10वीं और 12वीं के वैसे विद्यार्थी जिनकी प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं हो पाई है, वे शुक्रवार से शुरू हो रही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग ने इसके लिए इजाजत दे दी है। परीक्षा के लिए स्वीकृति मिलने के बाद स्कूलों में तैयारी शुरू कर दी गई है। बुधवार को विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सूचना दे दी गई है। बकरीद के कारण बुधवार को स्कूल बंद होने के कारण गुरुवार को लैब एवं कक्षाओं की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाएगा। हालांकि अधिकांश स्कूलों में 80 से 90 फीसदी तक विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षा पहले ही ले जा चुकी है। जेक के शेड्यूल के अनुसार 23 से 26 जुलाई तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। साथ ही स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे जेक की वेबसाइट पर अंक अपलोड कर देंगे ताकि जल्द रिजल्ट जारी किया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद और शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल ने कहा कि यह पर्व त्याग एवं बलिदान की प्रेरणा देता है और प्रेम, एकता एवं आपसी भाईचारे की भावना को प्रकट करने का संदेश देता है। उन्होंने सभी के खुशहाली एवं सुखमय जीवन की कामना की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पारा शिक्षक अगले महीने से आंदोलन की तैयारी में। राज्य के लगभग 65,000 पारा शिक्षक एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 15 अगस्त के बाद शिक्षक आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं। आंदोलन से पूर्व 25 जुलाई को प्रखंड कमेटी, 1 अगस्त को जिला कमेटी की बैठक होगी। प्रखंड व जिला कमेटी को अपना प्रस्ताव 5 अगस्त तक राज्य कमेटी को देने को कहा गया है। इसके बाद एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक होगी। इसमें आंदोलन की घोषणा की जाएगी। मोर्चा के संजय दुबे व विनोद बिहारी महतो ने बताया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। पिछले वर्ष जून में पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली व वेतनमान को लेकर शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक हुई थी। कमेटी में लिए गए निर्णय के अनुरूप पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण व वेतनमान को लेकर विधि विभाग से परामर्श भी लिया गया, परंतु पिछले एक वर्ष से इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इससे पारा शिक्षकों में काफी आक्रोश है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं लगेगा श्रावणी मेला। सावन में सुबह शाम करें बाबा बैद्यनाथ का ऑनलाइन दर्शन। कोरोना संक्रमण के कारण इस साल श्रावणी मेला नहीं लगेगा। उपायुक्त तो मंजूनाथ भजेंद्री ने तीर्थ पुरोहित संघ बैठक में कहा कि देवतुल्य श्रद्धालुओं बाबा बैद्यनाथ के भक्तों को ऑनलाइन पूजा की जगह ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए श्रावणी मेले के आयोजन को इस वर्ष स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में देवतुल्य श्रद्धालुओं की आस्था व सुविधा को देखते हुए सावन माह में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन हेतु ऑनलाइन वर्चुअल दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। बुधवार को पंडा धर्मरक्षिणी सभा के अध्यक्ष, सदस्य एवं तीर्थ पुरोहित समाज व प्रतिनिधियों ने उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी से मुलाकात कर ऑनलाइन पूजा से जुड़े बिंदुओं पर अपनी अपनी बात रखी है। साथ ही बाबा बैद्यनाथ धाम की परंपरा और आस्था को लेकर तत्काल इस व्यवस्था को शुरू करने का आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास बोले, नियुक्ति वर्ष घोषित कर नौकरियां देना भूल गई है हेमंत सरकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरा है। पत्र कर उन्होंने कहा है कि वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित कर सरकार बेरोजगारों को रोजगार देना सरकार भूल गई है। अभी तक हेमंत सरकार नई नियमावली नहीं बना पाई है। एक माह में नियमावली में सुधार का दावा भी अब तक पूरा नहीं होता दिख रहा है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा है कि इसी प्रकार पंचायत सचिव, सहायक पुलिस, पारा शिक्षक आदि हर कोई आंदोलन करने को मजबूर है। पारा शिक्षकों के मामले में तो नियमावली, वेतनमान, कल्याण कोष के गठन समेत अन्य चीजों का उनकी जो है सरकार ने ड्रॉप आउट तैयार कर लिया था। अब
केवल जरूरत है उसे कैबिनेट में लाकर पारित करने की। सरकार की नीयत युवाओं को रोजगार देने की नहीं लगती है। बड़े बड़े वादे कर सत्ता हासिल कर लिया, अब झारखंड के युवाओं को छलने का काम कर रहे हैं। अबुआ राज में कब तक झारखंडवासी छले जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो 2 लाख का इनामी PLFI नक्सली अजय मूर्ति समेत अन्य गिरफ्तार। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया PLFI के 2 लाख रुपए के इनामी सदस्य अजय मूर्ति समेत 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्षों से पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगावा थाना और खूंटी जिले में सक्रिय रहे 2 लाख के इनामी अजय मूर्ति समेत 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि अजय मूर्ति के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिले में 43 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 7 मामले खूंटी में दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इनके सक्रिय होने की सूचना पर चकलधरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाथू सिंह मीना के नेतृत्व में एक अभियान शुरू किया गया और इस अभियान दल के द्वारा सूचना के सत्यापन के दौरान इनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है। इसमें जिला पुलिस के साथ CRPF की भी भूमिका बहुत ही रही है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो पलामू रिमांड होम से 3 नाबालिग फरार। कमरे की खिड़की में लगे लोहे के ग्रिल को तोड़ा, फिर दीवार से सटे एक नाली से होते हुए भागे आरोपी, घटना CCTV में हुई कैद। रिमांड होम से 3 नाबालिग मंगलवार की देर रात फरार हो गए हैं। तीनों नाबालिगों ने फिल्मी स्टाइल में रिमांड होम से भागने की प्लानिंग की और इसमें कामयाब भी हुए हैं। तीनों ने पहले कमरे की खिड़की में लगे लोहे के ग्रिल को तोड़ा, इसके बाद उसके पीछे दीवार से सटे एक नाले से होते हुए रिमांड होम के बाहर निकल गए। ये घटना रात 11:09 की है, जो CCTV कैमरे में नाबालिगों के फरार होने की पूरी घटना कैद हो गई है। बुधवार सुबह जब नाबालिगों की गिनती की जा रही थी तो जो है तीनों के भागने का पता चला। फरार होने वाले नाबालिग चैनपुर, रेहला और धनबाद के रहने वाले हैं। चैनपुर व धनबाद के नाबालिग पर दुष्कर्म और रेहला वाले पर हत्या का आरोप है। इसके बाद इन्हें रिमांड होम में रखा गया था। रिमांड होम का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। घटना की जानकारी मिलने के बाद SDO जो है राजेश शाह और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीति चौहान ने रिमांड होम पहुंचकर घटना की जानकारी ली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग सहित पूरे झारखंड में सादगी और भाईचारे से मनाई गई बकरीद। लगातार दूसरी बार मस्जिदों में नहीं उमड़ी भीड़, कोरोना गाइडलाइन का किया गया पालन, बनी रही शांति। हजारीबाग के बरही में कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व बुधवार को उत्साह से मनाया गया। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लगातार दूसरे साल भी अपने घरों में ही नमाज अदा की। ईद उल अजहा की नमाज सभी लोगों ने घर में ही पढ़कर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बहरी शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूरवर्ती इलाकों में सादगी के साथ पर्व मनाया गया। लोग इंटरनेट मीडिया पर भी बधाई भेजते दिखे। बाजारों में चहल पहल फीकी रही, विशेष रूप से बच्चे मायूस दिखे। प्रत्येक वर्ष ईद में बच्चे काफी उत्साहित होकर बाजारों गली मोहल्लों में घूम घूम कर खुशियां मनाते थे, लेकिन जो इन बच्चों की खुशियां कोरोना ने छीन ली है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो पलामू में तेज बारिश से सड़क बही, 25 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लोगों को जाना पड़ रहा है ब्लॉक मुख्यालय। सड़क काफी दिनों से थी जर्जर स्थिति में। हैदरनगर थाना के पंसा बरडीहा होते हुए मोहम्मदगंज प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाला मुख्य पथ तेज बारिश की वजह से बह गया है। इससे करीब जो है 2 दर्जन गाँव के लोगों का संपर्क मोहम्मदगंज प्रखंड मुख्यालय से कट गया है। वह बिहार जाने के लिए भी लोगों को अब जो है लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। करीब 25 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लोगों को प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ रहा है। सड़क काफी जर्जर स्थिति में थी और तेज बारिश की वजह से बह गई है। रात में हुई अधिक बारिश के कारण बुधवार को अचानक सड़क बह गई है। इससे 2 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों का आगमन मोहम्मदगंज प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए बंद हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 626 अनुशंसित शिक्षकों की शीघ्र होगी नियुक्ति। गैर अनुसूचित जिलों के हाईस्कूल में इतिहास, नागरिक शास्त्र विषय के 626 अनुशंसित शिक्षकों की नियुक्ति 1 सप्ताह में शुरू होगी, यह आश्वासन कार्मिक सचिव ने दिया है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता, रामगढ़ की विधायक ममता देवी व विधायक उमा शंकर अकेला ने शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रतिमंडल के सामने कार्मिक सचिव से दूरभाषा पर बात की। कार्मिक सचिव ने उन्हें बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल गया है, गैर अनुसूचित जिलों में इतिहास, नागरिक शास्त्र विषय के अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 1 सप्ताह में कर लेने की बात कही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने का बिहार झारखंड के युवाओं के पास मौका, एग्जाम डेट का हुआ खुलासा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय स्कूल प्रवेश से जुड़ी जो है एक बड़ी परीक्षा कराने की तैयारी में है। यह परीक्षा देश भर के जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन के लिए आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्र भाग लेंगे। कोरोना लहर के बाद यह एकमात्र परीक्षा है जो देश भर के 11,000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर ली जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान ने इस विषय में जानकारी साझा करते हुए बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश के लिए छात्रों का चयन किया जाएगा। इसलिए जवाहर नवोदय विद्यालय 11 अगस्त को चयन परीक्षा लेगा। यह परीक्षा कोविड-19 से संबंधित सभी जो है सुरक्षा सावधानियों और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन ने की घोषणा, 10 करोड़ से सवरेगा लुगुबुरु, बोकारो में जल्द बनेगा आवासीय विद्यालय। झारखंड के बोकारो जिला में संतालियों का धर्मस्थल लुगुबुरु घाटाबाड़ी धरोमगाड़ 10 करोड़ रुपए की लागत से नई विकास योजनाओं से सवरेगा, जिसमें जो है दरबार चट्टानी के सामने पहाड़ साइट व मंच के पीछे साइट में मनमोहक व भव्य पार्क का निर्माण, चारों ओर आधुनिक जो है लाइटिंग, चार दीवारी, सम्मेलन स्थल में श्रद्धालुओं के बैठने के लिए सीढ़ीनुमा बेंच, जगह जगह सेड और जो है पेयजल व्यवस्था, जलमीनार, शौचालय, स्टेज, चट्टानों में मौजूद जो है उखल स्वरूप चिन्हों का संरक्षण सहित कई योजनाओं स्थापित होगी। यह घोषणा झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने की है। वे बुधवार को लुगुबुरु के दौरे पर ललपनिया पहुंचे थे। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो करंट लगने से महिला की मौत, बिजली बोर्ड में मोबाइल चार्ज लगाने के दौरान लगा करंट का झटका, अस्पताल ले जाने के दौरान तोड़ा दम। गढ़वा के बरडीहा थाना क्षेत्र के सरसतिया गांव निवासी एक महिला की बुधवार को करंट लगने से मौत हो गई है। महिला बिजली बोर्ड में मोबाइल जो है चार्ज लगाने गई थी, इसी दौरान उससे करंट का जोरदार झटका लगा। परिजनों ने उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान उदय यादव की पत्नी गीता देवी 33 वर्षीय के रूप में की गई है। इस संबंध में उदय यादव ने बताया है कि बुधवार दोपहर गीता देवी ने अपने घर में बिजली के बोर्ड मोबाइल चार्ज करने के लिए जैसे ही चार्जर लगाया वैसे ही उसे करंट का जोरदार झटका लगा। इससे जो गीता जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। अनन फनन में परिजनों द्वारा गीता को स्थानीय रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर जबीर प्रताप सिंह ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि महिला की मौत संभवतः रास्ते में ही हो गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो बिना संकोच किए लोग अपनी समस्या को रखे मंत्री। झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री और लोहरदगा विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बुधवार को जिले के भंडारा प्रखंड क्षेत्र के गांव-गांव का दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस जो है दौरान मंत्री ने लोहरदगा जिले के भंडारा प्रखंड अंतर्गत जो है जमगाई भीठा मुकुंदा गांव पहुंचकर बारी बारी से ग्रामीणों से मुलाकात की। साथ ही विधायक मद से निर्गत जो है पीसीसी सड़क का मंत्री ने उद्घाटन भी किया। मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उसे सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। मंत्री ने कोविड-19 से प्रभावित परिवारों से मिलकर संतावना दी है। इस दौरान कई ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याओं को लिखित रूप से जो है आवेदन मंत्री को देकर निदान की मांग रखी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे मिले 42,114 नए केस, 36,857 हुए रिकवर और 3,998 हुई मौत। देश में कोरोना के मामलों में फिर जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में 42,114 लोग की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान जो 36,857 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है और 3,998 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हुई है। देश में बीते दिन हुई मौत पिछले 39 दिनों में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले 11 जून को जो है 3,996 लोग की मौत हुई थी। हालांकि मौत के आंकड़े में इतनी बड़ी बढ़ोतरी महाराष्ट्र में पुरानी मौतों को पोर्टल पर अपडेट करने की वजह से हुई है। यहाँ बीते दिन कोरोना के 147 मरीजों की मौत हुई थी, जबकि 3509 पुरानी मौतों को अपडेट किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो अपनी पसंद के बीएड कॉलेज में नामांकन ले सकेंगे अभ्यर्थी। राज्य के बीएड कॉलेज में सत्र 2020-22 के तहत नामांकन लेने से वंचित छात्र अपनी पसंद के बीएड कॉलेज में नामांकन ले सकते हैं। शर्त यही रहेगी कि कोटिवार सीट खाली रहने चाहिए जो विद्यार्थी नामांकन लेना चाहते हैं। एक हफ्ते के अंदर अपनी पसंदीदा कॉलेज में झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा जारी जो है CML रैंकिंग के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद संबंधित कॉलेज मेरिट लिस्ट तैयार कर रिक्त सीटों पर सीधे नामांकन ले सकेंगे। बीएड कॉलेज एसोसिएशन के आग्रह पर राज्य सरकार ने उक्त सत्र के लिए भी यह छूट दी है। एसोसिएशन ने कहा था कि सीट खाली रह जाने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे पूर्व कोरोना के कारण भी सत्र 2019-21 में भी कॉलेजों को इस तरह की छूट दी गई थी। सरकार के इस फैसले से बीएड कॉलेज प्रबंधक ने राहत की सांस ली है। राज्य में कुल 136 कॉलेजों में से 13,600 सीट है, जिसमें से 904 से अधिक सीटें खाली रह गई है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो लातेहार में JJMP उग्रवादी संगठन के 2 सदस्य गिरफ्तार, नाबालिग से दुष्कर्म, लेवी वसूली समेत कई मामलों का आरोपी है एरिया कमांडर, एक अपहृत लड़की भी बरामद। झारखंड जनमुक्ति परिषद के एरिया कमांडर सहित 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। SDPO राजेश कुजुन ने बुधवार को बताया कि महुआटांड थाना क्षेत्र के एरिया कमांडर नसीम अंसारी लातेहार जिले के 4 थाना क्षेत्र के महुआटांड, गारू, नेतरहाट व जयबरेंस साड़ में आतंक मचा रहा था। गिरफ्तार उग्रवादियों द्वारा
द्वारा कई जो है आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो है जंक्सी चैनपुर में बन रहे पावर ग्रिड में गाड़ी जलाने व फायरिंग करने, ग्राम जो है तंबोली की नाबालिग के साथ रेप करने के अलावा विकास योजनाओं का कार्य कर रहे ठेकेदार और ईंट भट्टे मालिकों से जबरन रंगदारी वसूली शामिल है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।